गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर थ्री अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुजों को समझना आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे लेकिन इसे करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स चतुर्भुजों के प्रकार सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास ट्रिपीजियम ट्रिपीजियम को हिंदी में हम क्या कहते हैं समलम इसकी डेफिनेशन क्या है ट्रिपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरलर साइड्स मीन्स ट्रेपीजियम क्या है एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें क्या होता है पेयर ऑफ पैरलर साइड्स होती हैं मतलब एक पेयर क्या होता है उसका पैरलर होता है अब हमने एग्जांपल के लिए जो हमने बनाए हैं इसमें ड्रॉ करे हैं यहाँ पे चार साइड्स हैं हमारे पास क्वार्रिलेटर की इसमें से जो ये ब्लू कलर में हम शो कर रहे हैं और दो साइड्स को हम शो कर रहे हैं ग्रीन कलर में जो ग्रीन कलर वाली है वो पैरलर नहीं है और जो ब्लू वाली है वो दोनों क्या है पैरलर है और पैरलर लाइन को शो करने के लिए हमने क्या किया है एरो का यूज़ किया है सेम सेकंड डायग्राम में हमने दो ग्रीन लाइंस बनाई हैं और दो क्या बनाई हैं ब्लू लाइंस बनाई हैं ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है जो हमारे पास पैरलर साइड है ब्लू वाली हैं और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है एरो का यूज़ किया है तो एरो वाली जो लाइन्स हैं वो क्या है पैरलर लाइन्स है तो ट्रिपीजियम क्या होता है ट्रिपीजियम क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है पेयर ऑफ पैरलर साइड्स हैं अब सेकेंड सेकेंड हमारे पास क्या है काइट जिसे हिंदी में हम कहते हैं पतंग इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू डिस्टिंग कंजीक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल इन लेंथ मीन्स काइट क्या है ये एक स्पेशल टाइप का है क्वाड्रिलेटरल की जिसके अंदर क्या होता है कि जो साथ में हमारी साइड्स आती हैं जैसे इसमें एग्जाम्पल में दे रखी है बिल्कुल साथ वाली साइड वो क्या होती है उसके इक्वल होती है लेंथ में अब एग्ज़ाम्पल वन में दो हमने ग्रीन लाइन्स ड्रॉ करी हैं दो हमने ब्ल्यू लाइन्स ये वन जो हमने लाइन ड्रॉ करी है दैट मीन्स ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है और ये जो ब्लू लाइंस हैं इसमें हमने टू लाइंस को रिप्रेजेंट किया है दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है सेम सेकेंड डायग्राम में ये दो ब्लू लाइंस है जिसमें हमने वन और वन लाइन से इसे कट किया है ये दोनों लाइन्स क्या है इक्वल हैं एंड दो ये ग्रीन लाइन्स हैं जिसमें हमने टू लाइन्स ने कट कर दिया है दैट मीन्स ये ग्रीन लाइन इस ग्रीन लाइन के क्या है इक्वल है अब काइट्स में क्या होता है कि जो दोनों साथ वाली जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती है लेंथ में नेक्स्ट पैरलेलोग्राम दैट समांतर चतुर्भुज इसका फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरलर ये एक क्वाड्रिलेटर है जिसकी क्या होती है आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं समांतर होती हैं जैसे हमारे पास ये ए बी सी डी एक पैरल पैरलेलोग्राम है इसमें हमारे पास ए डी पैरलर है बी सी के एंड ए बी पैरलर है डी सी के नंबर टू अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती है लेंथ में मतलब कि बराबर उसकी लंबाई की भुजाएं होती हैं मीन्स ए डी इक्वल होगी बी सी के एंड ए बी इक्वल होगी डी सी के पॉइंट थ्री अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेज़र जो अपोजिट एंगल्स हैं जो अपोजिट एंगल्स हैं मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी एंगल बी एंड एंगल डी ये अपोजिट एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर मतलब कि जो अपोजिट एंगल्स हैं जो कौन हैं अपोजिट वाले वो क्या होते हैं बराबर होते हैं मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी नंबर फोर एडजेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री जो साथ वाले एंगल हैं मीन्स एंगल ए एंड बी या बी एंड सी और सी एंड डी डी एंड ए मीन्स जो बिल्कुल साथ वाले एंगल हैं एडजस्टेंट ये एडजस्टेंट एंगल होते हैं ए एंड बी बी एंड सी भी आपके एडजस्टेंट एंगल है सी एंड डी भी एडजस्टेंट एंगल है डी एंड ए भी एडजस्टेंट एंगल्स हैं तो ए एंड बी अगर हम इन दोनों को सम करें तो उनका सम क्या होता है 180. एटी दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू वन एटी डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू वन एटी डिग्री नेक्स्ट फाइव पॉइंट फाइव डाइगनल्स ईच अदर जो डाइगनल्स होते हैं मीन्स जो विकर्ण होते हैं ए सी एंड बी डी ये क्या है हमारे पेरेलोग्राम के डायगनल्स हैं डाइगनल बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स जो डायग्नल्स हैं वो एक दूसरे को कैसे करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं अब यहाँ पे जो हमारे पास है बी डी एंड ए सी हैं जो कहाँ कट करते हैं ओ पॉइंट पर कट करते हैं तो जब ये बाइसेक्ट करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है कि ए ओ किसके इक्वल हो जाता है ओ सी के एंड बी ओ किसके इक्वल हो जाता है ओ डी के तो पैरलोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरलर होती हैं मीन्स ए बी पैरलर डी सी एंड बी सी पैरलर ए डी अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल लेंथ की मीन्स ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं मीन्स ए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी एडजेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन एटी डिग्री डायगनल्स बाइसेकट ईच अदर मीन्स जो इसके डायगनल्स हैं ए सी एंड बी डी वो क्या करते हैं बाइसेकट करते हैं ईच अदर मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देन ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री करने से पहले अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री